तो आपने अच्छी बनाई हुई है, आपने गेट भी क्वालिफाइड किया हो, राइट? तो और राइट उसके सर, उसके बाद अभी आप क्या कर रहे हो राइट एग्जैक्टली, बताइए अभी आप क्या सर। कर रहे हो अभी मेकअप? मैंने रिसेंटली 12 सितंबर को एक कंपनी ज्वाइन किया। अच्छा, अभी सर मैंने एज अ प्लानिंग इंजीनियर मैंने ज्वाइन किया अभी एक कंपनी को करेक्ट ग्रेटर नोएडा में। करेक्ट। तो वहां पर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है आपकी? सर प्रोजेक्ट कंसल्टेशन से लेकर मतलब जितना भी क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेशन है या एग्जीक्यूशन है उसके लिए प्रिपेयर करना, DPR, माइक्रो स्टडी करना मतलब माइक्रो प्लान्स बनाना और शेड्यूलिंग करना जो वर्क है हमारा एग्जीक्यूटिव, और दूसरा एस्टिमेशन करना, BOQs प्रिपेयर करना, ये सारे वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरी। सर करेक्ट। ओके, अभी आप क्या देख रहे हो? अभी हमारा एक इंडस्ट्रियल शेड चल रहा है पलवल में, अभी उसी का मैं देख रहा हूँ अभी। ओके, नहीं अभी जैसे कि भी आप करियर चेंज करना चाह रहे हो ना, तो राइट सर, चेंज क्यों राइट। करना एक्चुअली चाह क्या रहे ना हो? सर, मैंने जब जब मैंने गेट क्वालिफाई किया था तो उससे पहले मेरे को स्ट्रक्चरल एनालिसिस के बारे में कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि तो हुआ ये था कि BTech मैंने पास आउट किया, उसके बाद में जैसे ही वो होता है कि सिविल इंजीनियर को के साइड पे चले जाओ, तो मैं भी ऐसे ही चला गया। लेकिन जब गेट दिया तो उसके बाद में ब्रांचेस का स्पेसिफिकेशन आया तो मुझे स्ट्रक्चर के बारे में पता लगा, तो उससे इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। तो जब मैंने अपना MTech में एडमिशन लिया तो अभी मेरा जो प्रॉपर जो इंटरेस्ट हो गया वो स्ट्रक्चर में हो गया। मतलब एक तो उसमें स्कोप बड़ा अच्छा दिखा मेरे को, दूसरा मतलब जो एक इंटरेस्ट है सॉफ्टवेयर को लेके मेरा वो काफी क्रिएटिव रहा मेरे को, तो इस वजह से मैं जो आप है अभी जॉब परसुइंग कर रहे हो ओरिएंटेशन क्या? में। आपके रिज्यूमे लिखा हुआ आपने परसुइंग है आपका हाँ मास्टर्स। सर, अभी अभी मेरा डेजर्टेशन सबमिशन नहीं हुआ। एक्चुअली क्या है, यूनिवर्सिटी ने थोड़ा डिले कर दिया तो अभी नियर टू डेट फिनिश आई है। नहीं है शायद। राइट सर, ओके ग्रेट। तो वैसे तो आप जब बीटेक आपने किया था उस समय भी अगर आपने स्ट्रक्चर्स में करियर स्टार्ट किया होता तो आराम से आप कर सकते थे। सर एक्चुअली उस समय गाइडेंस नहीं था ना कोई आइडिया था, हमारे पास सीनियर्स का भी कोई सपोर्ट नहीं रहा कभी, ठीक तो है, फिर आपने इस वजह साइट पर से। भी काम किया, राइट? राइट सर, मैंने मोर देन 4 ईयर से ज्यादा मैंने वर्क कर लिया साइट पे एग्जीक्यूशन में। ओके, तो साइट को क्यों लिफ्ट किया? सर मेरे को अभी जो प्लानिंग में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली तो साइट के अभी प्रोजेक्ट इंजीनियर था मैं रिसेंटली अभी TSDC खुर्जा में, जहाँ थर्मल पावर प्लांट बन रहा है, तो वहां से फिर मेरे को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली प्लानिंग में, तो मैंने यहाँ पर आ गया। तो काम में बेसिकली वही है, एग्जीक्यूशन को ही मेंटेन करना है, तो अभी तो वही है सर। तो आप एजुकेशन में लाइक नहीं करना चाह रहे हो अपना करियर, राइट? राइट सर, ओके, तो अगर अगर सामने वाली कंपनी ने आपसे पूछ लिया है व्हाई यू वांट टू लिफ्ट योर साइड जॉब एंड व्हाई यू वांट टू केम इन स्ट्रक्चर्स, देन व्हाट विल बी योर आंसर? सर मैं सिर्फ इंटरेस्ट, एक मैंने बताया सर आपको मेरा इंटरेस्ट है कि बस स्ट्रक्चर डिजाइनर बनना है सर। ओके ग्रेट। लेकिन कैसे होगा कि केवल इंटरेस्ट से काम बनने वाला नहीं है, ठीक है? जब आप इंटरेस्ट राइट बोलोगे ना सर, तो बोलेंगे कि अभी तक आपका इंटरेस्ट कहाँ था? ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है ना? आप सोचो कि एचआर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि आप क्या आंसर करोगे। अगर दिस इज योर इंटरेस्ट आई एग्री विद दैट, बट हाउ कैन आई अंडरस्टैंड कि नाउ यू वांट टू बिकम अ स्ट्रक्चर इंजीनियर, व्हाई यू लाइक योर पास आउट ईयर आई थिंक 2012 और 15, 15 राइट? हेलो, जी सर, जी हाँ तो अमित आपका पास आउट ईयर 2015 का है, राइट? AKTU राइट EPTU का है, राइट? राइट 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 ओके ग्रेट, ठीक है। देखो अभी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी करियर जब स्विच करता है कोई भी इंसान, ठीक है? ये कुछ इसी तरीके से हो जी गया कि हमको कुछ इस तरीके से हम जा रहे थे, अचानक से याद आया यार ये रास्ता नहीं, मुझे इस रास्ते में मज़ा नहीं आ रहा, या फिर इस रास्ते में बहुत ज़्यादा टफनेस है, वापस आया, अब दूसरा रास्ता बनाना पड़ेगा, है राइट सर, ना? तो होप आप इस चीज़ के लिए राइट माइंड से एग्री होंगे कि मुझे दूसरे रास्ते में जाना है। जा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? थोड़ा सा लंबा यात्रा होगा, प्लस जैसे इस रास्ते में जब स्टार्ट किए होगे करियर तो मुझे लगता है बहुत ही कम अमाउंट ऑफ में स्टार्ट किए होगे। राइट स्टार्टिंग तुम्हारी क्या सैलरी थी वहाँ पर बीटेक जब करके साइट पर गए थे तो? 23,000 करेक्ट, अप्रॉक्स 25 पकड़ के चलते हैं, राइट। ठीक है? तो अभी कैसे हो गया कि अभी जब तुम इसमें स्टार्ट करोगे तो हो सकता है तुम 25-30 या फिर 35 के आसपास ही तुमको स्टार्ट करना पड़े, वो भी 35 तब जब एकदम बेस्ट एक्सीलेंट परफॉर्मेंस होगा तब। अब ये देखो अमित कि आप स्टार्ट कर सकते हो, आप या कोई भी स्टार्ट कर सकता है स्ट्रक्चर्स में कैरियर कभी भी, आपको बस थोड़ा सा उसको टेक्निकली ऐसा बताना पड़ेगा, ये नहीं बोलना है कि मैं साइट पर कंफर्टेबल नहीं हूँ, या फिर ऐसा कि जैसे कि आपने या फिर कई लोग ऐसा होता है ना कि एक टाइम के बाद मुझे मैरिज करना है तो मैं अपने घर को बैलेंस कैसे करूँगा, ये प्रॉब्लम आता है ना, ठीक जी है? तो अब मैरिज करना है तो मैं डेफिनेटली मुझे एक फैमिली के साथ रहना है, तो अभी फैमिली के साथ रहने के लिए साइट का जॉब कितना कंफर्टेबल है आपसे अच्छा कौन समझेगा? तो बिल्कुल अब सर, इस सिचुएशन में क्या होता है, इंसान को लगता है अब मुझे चेंज करना है,
ठीक है, टू बी फ्रेंक ये काफी लेट हो जाता है, ठीक है, लेकिन कैसा होता है, जब जागा तभी सवेरा, और अभी आराम से आप कर सकते हो इसमें स्ट्रक्चर्स में, बट ये चीज अमित याद रखना कि हमारा जो स्टार्टिंग होगा थोड़ा सा लो होगा, ये एक्सपेक्ट मत करना कि तुम्हारे सेम सैलरी से कोई मैच करेगा। इसके लिए रेडी हो गया? हाँ सर बिल्कुल, हाँ तब मैं सर सही, 30,000 तक भी अगर मिलेगा तो मैं स्विच कर दूंगा सर। ग्रेट। अब देखो आपके लिए बहुत, आपने बहुत अच्छा आपने कलेजे पर हाथ रखा होगा, क्योंकि आपकी सैलरी अप्रॉक्स 55 से 60 के आसपास है, राइट? तो 60,000 60,000 है और आप 30 पर रेडी राइट हो रहे सर। हो, दैट मीन्स कि आप सच में जानना चाहते हो। सबसे बड़ा इंटरेस्ट तो यही यस है, सर ठीक है, क्योंकि आप पैसा नहीं यस देख रहे सर हो, आप देख रहे हो भविष्य अपना, राइट? राइट सर राइट सर ठीक है, अब आप क्या करो अमित, जो मैं सजेशन आपको दूंगा, अगर वो कर ली तो आपका काम हो जाएगा। सबसे पहली चीज कि आपकी सीवी को जब मैं देख रहा हूँ तो इसे मोर इनटू साइट दिख रहा है, ठीक है? तो जो जो कैसे होता है कि जब आप किसी किसी पे कहीं पे भी अप्लाई करते हो तो वहां पर सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे कि आपकी सीवी को क्रॉस चेक किया जाता है, ठीक है? तो सॉफ्टवेयर में क्या रहता है, सॉफ्टवेयर डिटेक्ट करता है कि ये इंसान किस प्रोफाइल के लिए सुटेबल है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसमें वैसे आपने ऊपर जो टेक्निकल ट्रेनिंग आपने डाला हुआ है, ये फॉर्मेट किससे लिया है आपने? बहुत अच्छा सर, है। आप ही के ऐप से ऐप से जो डाउनलोड किए थे पुराने सीवीज जो पड़े हाँ हुए हैं ऐप में, हाँ हाँ वहीं हाँ से मैंने एडिटिंग की है सॉफ्टवेयर। बेस्ट है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, जो टेक्निकल ट्रेनिंग को एक्सप्लेन कर दिया है आपने वो बहुत अच्छा किया हुआ, ठीक है, क्योंकि लोग जनरली सर एक्सप्लेन नहीं करते, तो ये तो आपका अच्छा है। अब एक चीज करो कि स्ट्रक्चर्स का अच्छा सा पोर्टफोलियो भी वहां पर है ऐप के अंदर ही, फ्री राइट स्टडी सर मेटेरियल हाँ ना, जी ठीक है? तो वहां से क्या करो, स्ट्रक्चर्स का पोर्टफोलियो तैयार करो, क्योंकि अमित ने ठीक है इतना ज्यादा साइट पर काम कर लिया है कि अब मैं अमित के ऊपर भरोसा करूं तो करूं कैसे, राइट सर ठीक है? तो आप क्या करो, अभी आराम से बैठ के 2 हफ्ता लगाओ, बट बेस्ट पोर्टफोलियो तैयार कर लो, ठीक है? सारा टेक्निक उसके अंदर दे रखा है, canva.com से भी जाके वहां पर पोर्टफोलियो ऑनलाइन डायरेक्ट बना सकते हो, canva.com है, अदरवाइज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से भी बनाया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अपने काम को दिखाने का एक वो आपके पास वजूद होना चाहिए कि हमने पूछ लिया कि अमित कितना आपने किया हुआ है, तो आप दिखा सको कि सर मैंने इतना किया हुआ है। तो पहला चीज तो आपका ये होगा। दूसरी चीज क्या होगी अमित, कि अब आप जब कहीं पे भी अप्लाई करोगे तो देखना कि वहाँ की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है? आज मैंने बहुत अच्छी चीज स्टार्ट कर दी, वो जॉब्स गाइड जो अपना एक यूट्यूब चैनल है उस पर डेली ओपनिंग डालना स्टार्ट कर दिया स्ट्रक्चर से रिलेटेड डेली, ठीक है? ओके तो सर अब आपको क्या करना है, अब आपको ओपनिंग्स का टेंशन नहीं है, जॉब्स गाइड पे छोड़ दो, ओपनिंग्स मिल जाएगी। अब टेंशन है कि शॉर्टलिस्टिंग हो, तो शॉर्टलिस्टिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, वहां की रिक्वायरमेंट देखना कि उन्होंने क्या क्या डाला हुआ है, उस रिक्वायरमेंट को अपने रिज्यूम के अंदर सेट कर देना, ठीक है? क्यों? क्योंकि जब रिक्वायरमेंट रिज्यूम के अंदर सेट करोगे तो एटीएस सॉफ्टवेयर से जब उसको मैच किया जाएगा कि ये जो सीवी बनी हुई है क्या इस प्रोफाइल के लिए सुटेबल है कि नहीं, तो जब वही वही चीज कंटेंट मिलेगा, कीवर्ड्स होते हैं ना कीवर्ड्स, जी जब बिल्कुल सर वही वही कीवर्ड्स मिलेंगे तो ऑटोमेटिक शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगी। तो आपको ओके याद रखना है कि जितनी ओपनिंग्स मिले हर ओपनिंग के लिए रिज्यूम को एडिट करेंगे पहले, तब अप्लाई करेंगे, राइट सर ठीक है? अगर आप चाहते हो कि 1,000 अप्लाई करके 100 नहीं बल्कि 100 अप्लाई करके 50 में शॉर्टलिस्टिंग हो, तो बस तरीका मेथड यही है कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है उस पर, जैसे सीधी सीधी बात है, मुझे एक कुक चाहिए मतलब खाना बनाने के लिए, और मेरी बिल्कुल रिक्वायरमेंट है कि मुझे अच्छी सी शाही पनीर बनानी आनी चाहिए, अच्छी सी मटर पनीर बनानी आनी चाहिए, तरह तरह की मैं डिश, मुझे पास मेरे पास सपोज बहुत ढेर सारे लोगों ने अप्लाई किया, किसी ने बोला मैं तंदूरी चिकन बहुत अच्छा बनाता हूँ, किसी ने बोला मैं नान बहुत अच्छा बनाता हूँ, और मैं क्या खोज रहा हूँ, पनीर, शाही पनीर पनीर, मटर पनीर, राइट सर मिल ही नहीं रहा है। एक बिल्कुल हजार सर सीवी आने दो ना, क्या मतलब है, मुझे तो कुक वो चाहिए था जो शाही पनीर और मटर पनीर बनाए, समझ गए क्या प्रॉब्लम हो रही है शॉर्टलिस्टिंग में, बिल्कुल सर बिल्कुल ठीक है? आप प्लानिंग में अभी अभी अपने रिज्यूम को डालोगे ना, प्लानिंग में आपके रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो जाएगी, मैं पक्का बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें वो चीज ऐसा ट्राई किया है कि नहीं, नहीं सर अभी ट्राई नहीं किया सर ट्राई करो, प्लानिंग में आपकी सीवी तुरंत शॉर्टलिस्ट हो जाएगी। रीजन, क्योंकि आपके सीजी में वही वही सब्जी वही वही चीजें मिली हुई है कि जो उनको चाहिए, फट से शॉर्टलिस्ट कर लेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर्स में करने के लिए आपको स्ट्रक्चर्स की तरह सीवी तैयार करनी पड़ेगी, कुछ अपनी जो करंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना उनको थोड़ा कम कर दो। कैसे होता है कि सॉफ्टवेयर डिडक्ट कर लेता है कि यार इसका मैक्सिमम चीजें प्लानिंग के रिलेटेड ही है, ठीक है? और हो सके तो उसमें अगर कहीं पर भी ऐसा सुटेबल होता है कि यार यहाँ पर ऑटो कैड भी तो हमने कभी यूज करना पड़ जाता है, रेयर में कभी यूज किया तो भी डाल दो, समझ रहे हो? तो कीवर्ड्स मैच करा दो, कीवर्ड्स मैच कराओगे शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। और इस पर वैसे तो मैं गुरुकुल बताया, बट मैं इस पर एक वीडियो भी बना दूंगा कि कैसे कीवर्ड्स को मैच कराना होता है, ठीक है? तो और तुम लोग को थोड़ा सा आसानी हो जाएगा, और ब्रदर उसके बाद आपकी सीवी पक्का शॉर्टलिस्ट होगी।
नाउ शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपका सिलेक्शन जल्दी होगा। आप बोलो क्यों? क्योंकि आपके पास नॉलेज है, राइट? अभी प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि आपको एंट्री नहीं मिल पा रही है, और एंट्री इसलिए नहीं मिल रही है अमित क्योंकि आपकी सीवी जो है वो सॉफ्टवेयर को यूजफुल नहीं लग रहा है। आपको पता है कि आप जब किसी कंपनी में अप्लाई करते हो तो आपके जैसे करीब करीब 2,000 लोग अप्लाई कर देते हैं। बिल्कुल सर, अब 2,000 लोगों की अगर मैं सीवी देखता बैठूं तो आप खुद समझ सकते हैं लगभग 1 हफ्ता लग जाएगा, बिल्कुल राइट? अब उसमें शॉर्ट लिस्टिंग किसको करूं ये तो सोचना ही बुरी बात हो जाएगी। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी एटीएस सॉफ्टवेयर परचेस कर लेती है और उसमें डाल देती है सबकी सीवी एक साथ। वो तुरंत लिस्ट कर देता है, मतलब मैंने अपनी रिक्वायरमेंट डाल दिया कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, 1,000 रिज्यूमे एक साथ अपलोड, तुरंत क्या करेगा डिटेक्ट कर लेगा, और डिटेक्ट करने के बाद वो रैंकिंग कर देता है। कैसे रैंकिंग? अमित सबसे सूटेबल है इस प्रोफाइल के लिए, उसके बाद ये सूटेबल है, उसके बाद ये सूटेबल है, अब मैं क्या करूँगा टॉप 50 टॉप 100 निकाल लिया। अब उसमें से पहले वाले को कॉल किया खाली है तो ठीक, दूसरे वाले को कॉल किया खाली है ठीक, मैं नीचे गया ही नहीं, ठीक है? और आपकी सीवी कहाँ थी? आपकी सीवी थी 500 पे थी, आएगी ही नहीं कभी, शॉर्ट लिस्टिंग ही नहीं होगी कभी, ये प्रॉब्लम हो जाता है अभी। ठीक है, तो ये एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम आप चाहे तो गूगल पर डाल देना, एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम, ठीक है? तो उसमें भी यही बताएगा कीवर्ड्स कैसे डालना है, ये डाल के पोर्टफोलियो तैयार करो और एक अच्छा सा कवर लेटर, ठीक है? कवर लेटर नहीं होगा आपके पास तो मैं आपको भेज दूंगा कवर लेटर। क्यों? क्योंकि अमित जैसे कई लोग मुझे मेल करते होंगे पर्सनली डेली, ठीक है? अमित को मैं रिज्यूम क्यों डाउनलोड करूं? गैलरी भर जाएगी पूरी की पूरी अगर मैं दिन भर सब डाउनलोड करता रहूं, बिल्कुल ठीक है? तो ऐसा कुछ अमित को लिखना पड़ेगा अपने जो मैसेज बॉक्स है, जो अपना क्या बोलते हैं मेल बॉक्स है, उसके अंदर ऐसा कुछ इंप्रेसिव लिखना पड़ेगा कि मुझे लग जाए यार अमित का रिज्यूम देखना चाहिए, ठीक है? कभी कभी होता है ना, क्योंकि कोई कोई मेल आता है इंपॉर्टेंट नोटिस, या फिर किसी ने लिख दिया लीगल नोटिस, आदमी को लगता है यार क्या है लीगल नोटिस देख लेते हैं, होता है ना ऐसा, एग्जैक्टली ठीक है? और अगर ऐसा सिंपल सा मैसेज आया हुआ है परचेज न्यू क्या बोलते हैं ओप्पो मोबाइल, ठीक है? लोग बोलेंगे अरे दिन भर तो आता रहता है, इग्नोर कौन कर देते हैं। इग्नोर कर देते हैं ना, एग्जैक्टली यही होता है हमारे रिज्यूम के साथ, ठीक है? लोग डाउनलोड ही नहीं करते हैं, ठीक है? डाउनलोड क्यों नहीं करते हैं? कि एक तो उनको पता है कि हम एटीएस से निकाल लेंगे अच्छी वाले रिज्यूम, क्या मतलब है टाइम वेस्ट करने का। दूसरी चीज, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है कि रिज्यूम को डाउनलोड करने का एक रीजन मिले हमको, ठीक है? तो आई जस्ट शेयर यू कवर लेटर, ठीक है? ऑलरेडी शायद उसमें ऐप में भी होगा, इन केस नहीं है तो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है? कवर लेटर, रिज्यूम और पोर्टफोलियो। अब आप समझ गए होंगे कि अच्छा ये कमी थी जिसकी वजह से शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हो रही थी। क्या क्या प्रॉब्लम थी बिल्कुल बताओ? सर, एक तो जो सीवी है उसमें जो कीवर्ड्स हैं वो मेरे एग्जीक्यूशन से ज्यादा रिलेटेड हैं, ठीक है? हाँ दूसरा जो कवर लेटर मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, एक वो यूज करना है, करेक्ट। और तीसरा जो टेक्निकल स्किल्स जो स्ट्रक्चरल डिजाइनर के लिए चाहिए वो मैं अपनी सीवी में शो नहीं कर पा रहा हूँ, हाँ। तो इस वजह से शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा। और उसके बाद चलो ठीक है, सीवी मान लो कहीं शॉर्ट लिस्ट हुई भी तो सामने वाले को कॉन्फिडेंस कैसे आए कि इसको बुलाऊं कि ना बुलाऊं, हाँ क्योंकि आपका वो पता ना पोर्टफोलियो एक मेन इम्पोर्टेंट एग्जैक्टली। पार्ट। और कैसे जैसे कि आप कहाँ से हो, आप अलीगढ़ से हो, ठीक है? अब सपोज कि मुंबई में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है लेकिन आपको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा, आपको पता है क्यों? आप हाँ बताइए, लोकेशन लोकेशन की वजह से। लोकेशन की वजह से, ठीक है? इसलिए क्या करते हैं हम लोग, जब जॉब सर्च करते थे तो क्या करते थे, जैसे मान लो मुंबई में ओपनिंग्स निकली हुई है, ठीक है? तो मुंबई में कहाँ पर ओपनिंग निकली हुई है उसका नियर बाय का लोकेशन तो मिल जाता था ना। तो अब अपनी इतनी तो दोस्ती तो रहती है कि भाई कौन कहाँ पर रहता है। तो मान लो कोई दोस्त है, मान लो मेरा एक दोस्त है इसरार, ठीक है? तो मैंने इसरार का देखा कि अच्छा इसरार कहाँ रहता है मुंबई में, मैंने उसको बोला भाई कहाँ रहते हो, तो उसने बताया यहाँ रहता हूँ। मैंने क्या किया, वो एड्रेस पुटअप कर दिया, गॉट इट? फट से सीवी शॉर्ट लिस्ट, ये आपको नहीं करना है। आप बोलो क्यों? क्योंकि आप जॉब में हो, राइट सर, ठीक है? जॉब वालों के लिए उनको दूर से भी बुला लिया जाएगा, उनकी जरूरत नहीं होती क्योंकि उनको पता है कि वो एक्सपीरियंस पर्सन है। लेकिन जो जॉब में नहीं है उनको इस तरीके से एडिट कर देना चाहिए, क्योंकि आप बोलोगे तो आप फंस जाओगे ना, ठीक है? तो आप बस यही करो कि आपका मोर इंटू आप स्ट्रक्चर सीवी आपकी दिखे, काफी हद तक सीवी आपकी एक्सीलेंट है, ठीक है? और बस थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कम कर दो, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और उसके बाद तो मुझे ऐसा जो ये 3-3 मंथ का एक्सपीरियंस लगाया हो इसको हटा दो। 3 मंथ का ओके सर, एक्सपीरियंस एक्चुअली में इंडस्ट्री में काउंट नहीं होती है, ठीक है? ठीक है, इंडस्ट्री 6 मंथ मिनिमम मांगता है किसी भी, अगर वही वैलिड एक्सपीरियंस है जो 6 मंथ मिनिमम हो, ओके।
ठीक है, बाकी तो आपका परफेक्ट है रिज्यूमे जैसे देख पा रहा हूँ। तो अब आपको गलती समझ आ गई, तो इसको करिए और ओपनिंग्स का टेंशन मत लीजिए, ओपनिंग हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। डेली आप जॉब्स गाइड पर मैं ये डेली डालूंगा ओपनिंग्स, ठीक है, बस आप देखते रहिएगा, ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक चलेगा। ओके, होप आपको समझ आ गया थैंक ना। यू सर, गुड नाइट सर, ओके, गुड जय नाइट। सर।